मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉली ग्रैंड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो कल का दिन हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ईद है और उसी दिन मल्टी स्टारर फिल्म रेस 3 रिलीज हो रही है। इसके लिए सभी बहुत एक्साइटेड है, याद रखिए मैं खुद भी। रेस 3 की यूएई में स्क्रीनिंग हो चुकी है और वहां से फिल्म के रिव्यू काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। फिल्म को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। रेस 3 सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म मानी जा रही है। बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है। पावर पैक परफॉर्मेंस, टाइट स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और शानदार डायरेक्शन, और सबसे बड़ी बात इस फिल्म में सलमान खान का होना। कुछ ट्रेड एनालिस्ट ने फिल्म को 4 स्टार दिए हैं तो कुछ ने 5। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि रमजान के महीने में फिल्म को इतनी अच्छी रेटिंग मिली। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत जबरदस्त है। ये फिल्म में आखिरी तक पता नहीं चलेगा कि क्लाइमेक्स क्या है। वैसे तो देखा जाए तो ये सीरीज अपने ट्विस्ट एंड टर्न के लिए जानी जाती है और रेस 3 में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इस फिल्म के इंटरवल से पहले की कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। सलमान खान और बॉबी देओल का शर्टलेस सीन इस फिल्म का हाइलाइटेड सीन है। दोनों का फिल्म में दमदार रोल है। अगर वही बात करें बॉबी देओल की तो उन्होंने अपने कमबैक के लिए जान लगा दी और वो चीज हम फिल्म में साफ देख सकते हैं। बात करते हैं जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह, तो ग्लैमरस का तड़का उन्होंने बखूबी लगाया है। बात करते हैं इस फिल्म के कलेक्शन की तो फिल्म 15 जून को रिलीज हो रही है, यानी कि कल। अब ऐसे में सबकी नजर फिल्म के कलेक्शन पर है कि फिल्म पहले दिन कितने का कलेक्शन करती है। तो ऐसे में हमारा अंदाजा है कि यह फिल्म अपने पहले दिन 35 से 40 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है। और अगर बात करें फिल्म के फाइनल कलेक्शन की इंडियन बॉक्स ऑफिस पे तो 500 से 600 करोड़। तो दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें बॉली ग्रैंड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशन। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।